दोस्तों देखिए, बिहार विधान परिषद के लिए फॉर्म आया हुआ था मार्च के महीने में। आई होप आप सब जितने भी लोग भरे होंगे सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे एग्जामिनेशन का। फॉर्म किस किस चीज़ का आया था, तो ASO था उसमें, DEO था यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, आसुलिपिक भी था इसमें, और ये तीन मेनली जो है फॉर्म आए थे। ठीक है, इसका जो है जो वैकेंसी जो नंबर था वो 2/2024 करके था। ठीक है, आई होप सबने भरा होगा। अब बिहार विधान परिषद के संबंध में एक न्यू नोटिस आया है, और इस नोटिस के बाद एक चीज़ कहा जा सकता है, आयोग जो है एक तरीके से बिल्कुल अब क्विकर मोड में आ गया है। अब क्विकर मोड में आने का रीज़न भी है, देखिए पहले सारी चीज़ें इसलिए स्लो हो गई थी, फर्स्ट इसका जब फॉर्म भराया उसके बाद इलेक्शन आ गए, इलेक्शन जो आ गया तो आचार संहिता वगैरह सब लग गया, उसके बाद 65% वाला मामला फंसा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सारा टंटा लगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सब कुछ कैंसिल हो गया। और अब जो है गवर्नमेंट ने ये जब से बोल दिया है कि 50% के हिसाब से ही सारे आयोग जो हैं अपना रोस्टर बनाए और जितने पेंडिंग परीक्षाएं हैं उन सबको करवाई जाए। देखिए रीज़न इज़ दैट नेक्स्ट ईयर 2025 में है विधानसभा का चुनाव, और उससे पहले ये सब कुछ करना है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 347 पदों पर विधानसभा में भी जो है फॉर्म आने जा रहा है, वो रीओपन होने वाला है, और वो कब होगा मैंने उस वीडियो में बताया है, इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को हम एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो आज आया है उसको पहले दिखाते हैं, उसके बाद बाकी डिटेल हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये वाला एक नोटिस देखिएगा, ये नोटिस आया हुआ था बिहार विधान परिषद वाला। ठीक है, 2/2024 और 3/2024 ये दोनों वैकेंसी के संबंध में, यहाँ पर देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर और आसुलिपिक, इन दोनों का ही एग्जामिनेशन डेट दिया गया था। ठीक है ना, ये देखिए 1/7/2024 को था। ठीक है, ये प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड मिलने का और एग्जामिनेशन डेट साथ साथ था, और इसका 1/7 और 7/7 सेम था। इसको देखिए अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक जो है कैंसिल कर दिया गया था, स्थगित किया था, अभी इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है, राइट। और सेम यहाँ देखिएगा, ये भी जो है 2/2024 यहाँ पर देखिए कार्यक्रम जो है अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। इसका भी जो है देखिए सहायक प्रशिक्षक पदाधिकारी यानी ASO का 18/6/2024 को ये एडमिट कार्ड मिलता और एग्ज़ाम 23/6 को था। ठीक है ना, और रात्रि पहरी वगैरह का भी यहाँ पे देख सकते हैं, सेम बिल्कुल वही चीज़ था, लेकिन नेक्स्ट आदेश तक इसको कैंसिल कर दिया गया। रीज़न क्या था, तो वहीं 65% वाला जो रिजर्वेशन है ना उसी वजह से ही सारा टंटा हुआ था। दूसरा बात देखिए, इसका एग्जामिनेशन जो है, एक बात ध्यान रखिएगा, इसका एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन होने की बातें करी जा रही हैं, इस वजह से भी ये सारी चीज़ें करी गई हैं। अब इसका री एग्ज़ाम कब हो सकता है, उससे पहले इसमें देखिए टोटल वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है पहले वो देख लीजिए आप लोग, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, ऑनलाइन भरने का जो डेट है 12/3/2024 से, यानी कि 12 मार्च से स्टार्ट हो गया था, और परीक्षा शुल्क भी जो है 12 तारीख से स्टार्ट हो गया था, और लास्ट डेट जो था अंतिम तिथि वो अप्रैल के महीने में था 2 तारीख तक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका तो आचार संहिता ही लग गया, इस वजह से इसमें सब कुछ डिले हुआ। अब यहाँ टोटल सीटों की संख्या बात कर ले, देखिए टोटल 19 सीट था इसमें, 17 इस बार का और बैकलॉग 2 सीट था, टोटल मिला के 19 हो गया। डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे कुल मिला के 5 सीट हो गया, और आसुलिपिक का टोटल मिला के 2 सीट हो गया, यानी ओवरऑल हम लोग बात कर ले 19 और 5 24 और इधर 2 26, कुल मिला के 26 सीट यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो 26 सीट जो है इनका एग्जामिनेशन कब होगा 26 सीट के लिए, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, राइट। लेकिन उससे पहले जो आज नोटिस आया पहले वो देख लीजिए। तो देखिएगा ये रहा बिहार विधान परिषद सचिवालय विज्ञापन संख्या 1/2024, प्रतिवेदक के पद पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर बातें करी गई थी। द्वितीय चरण का परीक्षा फल यहाँ पे पब्लिश किया जा रहा है, अब ये डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए बिहार विधान परिषद सचिवालय के विज्ञापन संख्या 1/2024 के आलोक में प्रतिवेदक के कुल 11 विज्ञप्तियों विज्ञापित पद पर सीधी भर्ती हेतु द्वितीय चरण हिंदी आसुलिपिक जाँच परीक्षा के लिए तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जाँच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जाँच परीक्षा दिनांक 14/6/2024 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के आधार पर अंतिम चरण और साक्षात्कार हेतु कोटिवार रिक्तियों के आलोक में सफल अभ्यर्थियों का जो है परीक्षा फल दिया गया था। अब यहाँ पे ये अभी कुछ दिन पहले ही जो है ना आसुलिपिक का जो है यहाँ पे आया था और इनका एग्जामिनेशन हुआ है। ठीक है, कुछ दिन पहले ही प्रतिवेदक का यहाँ पे आया था, इसका एग्जामिनेशन हुआ है। देखिएगा ऑनलाइन आवेदन भरते समय उम्मीदवारों द्वारा कोटि लिंग जन्मतिथि आदि का जो भी प्रविष्टि किया गया था उसके हिसाब से सब कुछ मांगा जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा बहुवैकल्पीय यहाँ पे एग्जामिनेशन था, और सेकंड हिंदी आसुलिपिक जांच परीक्षा, हिंदी और अंग्रेजी टंकन परीक्षा, जांच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग परीक्षा। ठीक है, और तीसरा साक्षात्कार और अंतिम परीक्षा फल की प्रक्रिया के सभी चरणों में उन सभी अभ्यर्थियों को अहर्त की समीक्षा के उपरांत नियमानुसार
यथोचित अंतिम चरण लेने का अधिकार बिहार विधान परिषद के पास सुरक्षित रहेगा। बेसिकली यहाँ पे देखिएगा, सारा हो जाने के बाद अब यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया गया है। कुल मिला के देखिएगा 6 लोगों का जो है रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है, रोल नंबर यहाँ देख सकते हैं। तो इनका आप देखिए 1/2024 वाला सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया। अब इसके बाद नंबर किसका है, तो 2/2024 वाले का, ठीक है, और देन आफ्टर 3/2024 वाले का। तो बिल्कुल लाइन से सारी चीज़ें क्रमवार तरीके से चल रही है। एग्जामिनेशन इसका कब हो सकता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसका जो एग्ज़ाम है, जो टोटल आप देखें हैं, टोटल हम सीट आपको बता दी हैं, इसका एग्ज़ाम होने का पूरा जो चांसेस बन रहा है ये आप देखिए सितंबर मिड में, यानी सितंबर 15 तक इसके संबंध में नोटिस आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा, चाहे विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, इन सब का जो नोटिस आता है, नोटिस आने के बाद टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। नोटिस आने के बाद समय आपको केवल 20 दिन के आसपास का हार्डली समय दिया जाता है, बहुत हो गया। इसलिए अगर तैयारी नहीं कर रहे, तैयारी में लगे रहिए, अदरवाइज़ आप लोग बहुत लेट हो जाइएगा और चूक जाइएगा, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले 347 जो पद आने वाला बिहार विधानसभा में, इसका कब तक वैकेंसी आ सकता है, हम ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड किया उसमें हम क्लियर मेंशन कर दिए हैं कि इसका जो वैकेंसी रीओपन अभी हो जो होगा, रीओपन देखिए सितंबर लास्ट तक इसका वैकेंसी रीओपन होने की बातें करी जा रही हैं। एंड अगेन जब ये सब कुछ हो जाएगा, इसका एग्जामिनेशन अब ऑनलाइन होगा और एग्ज़ाम जो है वहीं दिसंबर तक इसका संभावना आप रख सकते हैं, बिकॉज 2025 में जो है विधानसभा का इलेक्शन है और उससे पहले गवर्नमेंट चाह रही है जितने पेंडिंग चीज़ें हैं वो सब कुछ क्लियर कर ली जाए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपको मिला होगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।